नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप कौशिक यश हमारा मंच की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों बाद नव वर्ष आपकी और हमारी हम सभी की जिंदगी में दस्तक देने जा रहा है। परंतु दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि जो नया साल आ रहा है और जो पुराना साल बीतने जा रहा है, इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 19 और 20 का ही फर्क है। परंतु जो भी फर्क है, उस फर्क को हम चाहते हैं कि आपकी हंसी और ठाकों से भरा जाए, क्योंकि जो हंसी ही है जो हमारी और आपकी जिंदगी के तनाव को दूर कर सकती है। और सबसे बड़ी खास बात कि ईश्वर ने हंसने का हुनर सिर्फ मनुष्य को ही दिया है। आपने कभी किसी गधे को हंसता हुआ नहीं देखा होगा, और अगर आपको लगे कि कोई गधा हंस रहा है तो ये समझ लेना कि वो मनुष्य निर्माण प्रक्रिया की तरफ अग्रसर है। परंतु कोई हंसने की बात सुनकर भी अगर कोई मनुष्य आपको हंसता हुआ दिखाई ना दे, तब भी आप समझ सकते हैं कि वो किस दिशा में अग्रसर है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि नव वर्ष में हंसी और ठाकों के साथ प्रवेश किया जाए, खुशियों के साथ प्रवेश किया जाए। क्योंकि किसी हॉस्पिटल की दीवार पर मैंने देखा था कि लिखा हुआ था वहाँ पर कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो खोलना पड़ता नहीं हमको इधर औजारों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं इस हंसी के सफ़र को। वो जी, एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में रिजल्ट आया तो एक क्लास में चार बच्चों के बराबर नंबर और चारों के चारों टॉप। अब सारा स्टाफ सोच रहा जी टॉपर किसको घोषित किया जाए। तो प्रिंसिपल साहब बोले, इसमें घबराने वाली क्या बात है, एक काम करो चारों को कल सुबह बुलाओ, मैं चारों से सवाल पूछूंगा, जो जवाब दे देगा वो टॉपर। अगले दिन चारों को बुलाया गया सुबह प्रेयर के टाइम पर। तो प्रिंसिपल साहब ने सवाल पूछा, पहले विद्यार्थी से कहा कि भाई ये बताओ कि संसार में सबसे तेज क्या है। तो पहले विद्यार्थी ने जवाब दिया, जी सबसे तेज तो विचार होता है। बोले, विचार कभी भी आता है और कभी भी चला जाता है, और कितनी तेजी से आता है हमें खुद भी नहीं पता चलता कब क्या विचार हमारे मन में आ गया, तो इसलिए सबसे तेज हुआ विचार। बोले, ठीक है भाई बैठ जा तू। दूसरे से पूछा, भाई तू बता सबसे तेज इस संसार में क्या है। तो दूसरे ने कहा, साहब सबसे तेज होता है पलकों का झपकना। बोला, कैसे। बोला जी, पलक झपकते ही सारा काम हो गया। ये मुहावरा आपने सुना होगा, क्योंकि पलक ही है जो सबसे तेज झपकती है और एक सेकंड में पता नहीं कितनी बार झपक जाती है, इसकी कोई गणना भी नहीं कर पाया आज तक। बोले, ठीक है भाई बैठ जा तू भी। तीसरे से पूछा, बोला भाई तू बता सबसे तेज क्या है। बोला जी, सबसे तेज होती है लाइट। बोला, कैसे। बोला, आप बल्ब जलाओ पूरे कमरे में लाइट फैल जाती है, एक सेकंड से भी बहुत पता नहीं कितने कम हिस्से में, तो सबसे तेज हुई लाइट। तो बोला, ठीक है भाई तू भी बैठ जा। अब सारे सोच रहे कि चौथा क्या जवाब देगा। चौथे से भी वही सवाल किया गया, भाई अब तू बता कि सबसे तेज क्या है संसार में। बोला जी, सबसे तेज होते हैं दस्त। बोला, भाई दस्त कैसे। बोला जी, मैं बताता हूँ आपको। बोला जी, रात को 2 बजे मुझे दस्तों की हाजत आई। बोला, इससे पहले कि मेरे मन में कोई विचार आ पाता, इससे पहले कि मैं पलक झपका पाता, या इससे पहले कि मैं उठ करके लाइट जला पाता, दस्तों ने अपना काम कर दिया। वो एक बस जा रही थी जी, उसमें सवारियां ऊपर भी बैठी हुई थी, बस के अंदर भी, ओवरलोडेड बस। तो ऊपर से एक सवारी ने आवाज लगाई, बोला ओ रामफल। तो एक सवारी खिड़की की तरफ बैठी थी, उसने तुरंत सिर निकाल करके ऊपर की तरफ देखा, तो जो ऊपर आवाज लगा रहा था उसने मारा उसके मुंह पर एक थप्पड़, वो फट से मुंह अंदर कर लिया उसने। थोड़ी देर बाद उसने फिर आवाज लगाई, बोलो रामफल। उसने फिर निकाल करके मुंह देखा, फिर उसने मारा उसके मुंह पे थप्पड़। तीसरी बार उसने फिर आवाज लगाई, तो तीसरी बार भी एक थप्पड़ खा लिया। तो जो उसके बगल में सवारी बैठी थी, उसने कहा, यार तू अजीब बेवकूफ आदमी है, वो बार बार तेरे को बुला रहा है रामफल, तू सिर निकालता है और वो तेरे मुंह पर थप्पड़ मार देता है, तू तो यार बड़ा बेकार आदमी है। बोला, बेकार आदमी नहीं, वो जबरदस्ती खुश हुए जा रहा है, मेरा तो नाम ही नहीं है रामफल, वो बिना बात खुश हो रहा है। वो जंगल में एक शेर की शादी हो रही, तो सारे जानवर खूब मस्ती कर रहे, मौज मना रहे, कोई दारू पी रहा, कोई डीजे पे डांस कर रहा, कोई गाने गा रहा। वो एक चूहा भी अपनी बगल में दो पौवे लगाए घूम रहा, बोला आज अपने भाई की शादी है पियो सारे, और आज अपने भाई की शादी है पियो सारे। वो एक हाथी ने देख लिया, बोला ओ तू क्या कर रहा है। उसने चूहे ने देखा हाथी की तरफ, एक पौवा उछाला उसकी तरफ भी, बोला ले पी तू कैसे सूखा घूम रहा है, अपने भाई की शादी है ऐश करो सारे।
हाथी बोले यार ऐश करो वाली बात ठीक है, पर तेरा भाई कैसे हो गया, तू चूहा और वो शेर, मेरी समझ में नहीं आया। बोला शादी से पहले तो हम भी शेर ही थे, वो तो शादी करके चूहा बन गए। वो जंगल में एक शेर सो रहा पेड़ के नीचे, और उसी पेड़ के ऊपर एक बंदर बंदरिया खेल कर रहे। अचानक बंदरिया को पता नहीं क्या उसके दिमाग में आई, उसने बंदर से कहा कि जाकर शेर की पूंछ मरोड़ दे तब मैं मानूं तेरे को। बोले तेरे मानने के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी दांव पे थोड़ी लगा दूंगा। बंदरिया बोली नहीं ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं दूसरा बंदर ढूंढ लूंगी। अब बंदर बेचारा मरता क्या ना करता गया अपनी इज्जत बचाने के लिए और शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर भी तुरंत उठ करके गुर्राया। अब बंदर डर के मारे भाग लिया। अब बंदर आगे आगे और शेर पीछे पीछे, बंदर आगे आगे और शेर पीछे पीछे, भागते भागते बंदर जंगल पार करके शहर में पहुंच गया। उसके पीछे पीछे शेर भी शहर में पहुंच गया। पूरे शहर में हड़कंप मच गया, वो शेर आ गया, शेर आ गया। अब जिसे देखो अपने जहां जैसे हालत में था तुरंत अपनी दुकान छोड़ करके भाग लिया, शटर खुले छोड़ दिए, काउंटर खुले छोड़ दिए, सारे बाजार में सन्नाटा। अब बंदर ने देखा यार ये शेर तो पीछा नहीं छोड़ रहा। अब उसने क्या करा, एक लाला जी की दुकान थी, उसने देखा काउंटर खाली पड़ा है, सामने एक अखबार पड़ा है, मेज पर एक चश्मा पड़ा है। बंदर ने झट जाकर के आंखों पर तो लगाया चश्मा और आगे कर लिया अखबार। अब शेर आया, उसने यार बंदर तो अभी यहीं तक कहां गायब हो गया। उसने देखा रे एक लाला जी बैठे हुए हैं। उसने कहा लाला जी बंदर देखा तुमने? बोला कौन सा? जिसने शेर की पूंछ मरोड़ दी थी। शेर बोला अरे यार बड़ी तेज अखबार है, तो खबर भी छप गई, यहां से तो भागो अपनी जान बचाओ। वो जी एक हरियाणा का ताऊ दिल्ली के वकील से अलझ गया। अब वकील कहे कि मैं घना श्याणा और ताऊ कहे मैं घना श्याणा। अब दोनों में बहस छिड़ गई, बहस का कोई अंत नहीं आ रहा। वकील बोला देख ताऊ ऐसे फैसला नहीं होगा, एक काम करते हैं शर्त लगा लेते, जो शर्त जीत गया वो ज्यादा श्याणा। ताऊ बोला क्या शर्त लगाएगा? बोला देख ताऊ एक सवाल मैं तेरे से पूछूंगा, अगर तूने सही जवाब दे दिया तो मैं तेरे को 100 रुपये इनाम दूंगा, और अगर तूने सही जवाब नहीं दिया या जवाब ना दे पाया तो तू मुझे 5 रुपये जुर्माना दे दियो, और उसके बाद ताऊ एक सवाल तू पूछियो मेरे से। बोला फिर? बोला अगर मैंने सही जवाब दे दिया तो तू मुझे सिर्फ 5 रुपये इनाम दियो, और अगर जवाब ना दे पाऊँ तो मैं 100 रुपये जुर्माना दूंगा। अब वकील था पूरे कॉन्फिडेंस में, ताऊ को लगा कि यार ये तो फायदे का सौदा है, कोई दिक्कत नहीं लगा लेते शर्त। बोला भाई ठीक है वकील, लग गई शर्त, एक काम कर तू मेरे से उम्र में छोटा है तो पहले सवाल तू पूछ। तो वकील ने सवाल पूछा, वकील तो वकील वाली सवाल पूछेगा। बोला भाई दो भाइयों में हो गया झगड़ा, एक ने एक का सिर फोड़ दिया, तो बताओ कानून की कौन सी धारा लगेगी? अब ताऊ बोला यार धारा वारा का तो मुझे नहीं पता यार कौन सी धारा लगेगी। तो फिर वकील बोला भाई ताऊ दे जुर्माना। ताऊ ने भी अपना निकाला 5 का सिक्का, बोला ले भाई वकील जुर्माना। बोला भैया मैं पूछूं? बोला पूछ। बोला भाई ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका एक पांव तो आकाश को छूता है और एक धरती को छूता है? अब वकील की बुद्धि चकरा गई, बोले यार इतनी किताबें पढ़ ली, बीए कर ली, एलएलबी कर ली, आज तक ऐसे पक्षी के बारे में नहीं पढ़ा जिसका एक पांव तो आकाश को छू जाए और एक धरती को छू जाए। वकील चकरा गया, उसने ताऊ की थोड़ी सी ओट करके अपना मोबाइल निकाल के गूगल पर भी सर्च कर लिया, पर गूगल भी फेल, गूगल भी नहीं बता पाया। आखिर में वकील ने कर दिया सरेंडर, बोला भाई ताऊ मेरे को नहीं पता। तो ताऊ बोला ला भाई दे जुर्माना। वकील ने दिया 100 का नोट निकाल के, बोला ले भाई ताऊ। जैसे ही ताऊ जेब में रखने लगा वकील ने हाथ पकड़ लिया, बोला ताऊ नू नहीं बनेगी बात, पहले जवाब बता इसका जवाब क्या है। तो ताऊ ने निकाला दूसरी जेब से 5 का एक और सिक्का, बोला ले भाई वकील जवाब तो मैंने भी नहीं दिया। वो एक ताई बैठ गई ISBT से चंडीगढ़ की बस में, बोले भाई कंडक्टर से बोली कि भाई पानीपत आए तो मेरे को बता दियो। कंडक्टर बोला ताई बैठ जा कोई दिक्कत नहीं बता दूंगा मैं। अब जैसे ही बस चली ISBT से आगे बढ़ी, करनाल बाईपास पे पहुंची, तो सवारियां चढ़ने उतरने लगी, तो ताई उचक करके बोली भाई आ गया क्या पानीपत? अरे ताई बैठ जा बता दूंगा। बोला अच्छा जी। अब जहां बस रुके वहीं ताई उठ करके पूछे, अरे भाई पानीपत आ जाए तो बता दियो। अरे ताई तेरे को कितनी बार कह ली बैठ जा, मैं बता दूंगा तेरे को, अब ज्यादा मत बोलियो नहीं तो यहीं उतार दूंगा तेरे को। अब ताई भी अपने चुपचाप बैठ गई। अब कुदरती क्या हुआ कि पानीपत की ना तो कोई चढ़ने वाली सवारी थी ना उतरने वाली, कंडक्टर के भी ध्यान नहीं रही और बस निकल गई पानीपत से आगे। अब जैसे ही कंडक्टर को ध्यान आया तुरंत गया ड्राइवर के पास, बोला अरे भाई बस वापस घुमानी पड़ेगी। बोला के बात होगी? बोला ताई ने पानीपत की कही थी और मैं भूल गया।
तो तुरंत ड्राइवर ने भी बस वापस घुमाई और दे सूट टर्म सूट 10 मिनट में ला करके पानीपत टिका दी। और पानीपत पहुँचते ही कंडक्टर बोला, अरे ताई उतर ले, पानीपत आ गया। बोले डट बेटा एक मिनट, अपने झोले में से निकाली एक दवाई और पानी की बोतल और दवाई लेकर बोली, बस बेटा मैंने तो दवाई लेनी थी, वो डॉक्टर ने कही थी कि जब पानीपत पहुंच जाए तब ले लियो दूसरी खुराक। वो एक आदमी गया गांव में रामफल से मिलने, तो उसने वहीं बाहर मोहल्ले में वो उसका रामफल का छोरा खेलता हुआ दिख गया। तो उसने छोरे को बुला करके पूछी, बोला बेटा तेरे पापा हैं घर में? बोले कौन से पापा? बोला कौन से पापा, तेरे कितने पापा हैं? बोला मेरे तो 5 पापा हैं। वो आदमी हंसने लगा, बोला अंकल हंसो मत, आपके तो 6 पापा हैं। बोला अच्छा, तो बोला गिनवा फिर। बोला जी चलो गिनो, गिनना शुरू करो। बोला पहले तो वो पापा जो आपके बायोलॉजिकल फादर हैं, जिनका नाम आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। बोला ठीक। बोला दूसरे परम पिता परमात्मा जो सारे जग के पिता है, वो क्या हुए आपके? बोले ठीक है भाई, वो भी मेरे पिता हो गए। और बोला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो पूरे राष्ट्र के पिता हुए, तो आपके क्या हुए? बोले ठीक है भाई, ये भी मान ली तेरी बात। और बता। बोला गाय हमारी माता है तो बैल? बोला अच्छा भाई ठीक है, बैल की भी मान ली। बोला और? बोला अच्छा अंकल जी एक बात बताओ कि आप अपनी पत्नी के पिता को क्या कहते हो? बोला भाई उनको भी पापा कहता हूँ। तो बोला हो गए ना? बोला और, ये तो 5 ही हुए 6। बोला अंकल जी एक बात बताओ, सही सही बताना, झूठ मत बोलना, कभी कभी आपने मजबूरी में भी गधे को बाप बनाया? वो जी रामफल जा रहा था एक बार जयपुर, तो रास्ते में देखा है कि एक नया ढाबा खुला हुआ है और ढाबे के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि 100 रोटी खाने वाले को नकद 1000 इनाम। तो रामफल ने वही गाड़ी रोक ली, बोला भाई ले आज रोटी भी खाएंगे और 1000 रुपये लेकर भी जाएंगे। उन्होंने बुलाया ढाबे के मालिक को, बोला भाई एक बात बता, जो बाहर बोर्ड लगा रखा है ये सही में है या मजाक की बात है? बोला नहीं जी बिल्कुल सही बात है। तो बोला फिर एक काम करो, कौन गुणेगा बुलाओ और मैं खाना शुरू करता हूँ। तो उन्होंने वहीं पर ही एक ढाबे वाले ने कहा, बोले यहाँ बैठ जाओ मेज पर, और सामने एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पर चौक से एक उसने अपना आदमी लगा दिया, ले भाई तू इसकी काउंटिंग करता जा। अब रामफल ने खाना शुरू किया। अब रामफल तो जन्मों जन्मों का भूखा मानो, वो तो अपने टापू टाप लिए जाए रुके ही ना, देखे भी ना उठ करके। ढाबे वाले ने सोचा रहे मेरा मटा 70 रोटी चेप गया और अभी कोई इसके चेहरे पर शिकन नहीं, कोई घबराहट नहीं, ये तो आज चून का भी नाश करेगा और 1000 रुपये भी लेके जाएगा। उन्होंने जो काउंटिंग लिख रहा था उसको इशारा कर दिया, अब उसने गड़बड़ करनी शुरू कर दी। अब वो धीरे धीरे जहाँ 2 खाए वहाँ 1 लिखे 4 खाए वहाँ 2 लिखे काउंटिंग में गड़बड़ शुरू कर दी। अचानक रामफल का ध्यान गया, उसने देखा ब्लैक बोर्ड पर, अरे यार 85 रोटी मैं तो 95 खा चुका हूँ, 10 रोटी की हेर फेर है। बोला नहीं जी सारी रोटी हम तो काउंटिंग लिख रहे हैं बकायदा, आप देख रहे हो आपके सामने लिख रहे हैं। अब दोनों में झगड़ा हो गया, रामफल को आया गुस्सा, उसने खड़ा होकर के लिया डस्टर और ब्लैक बोर्ड साफ कर दिया। बोले यार एक काम करो, झगड़ा छोड़ो, शुरू से शुरू करो। रामलाल और श्यामलाल दो थे दोस्त, दोनों गए एक बार मेले में, वहाँ देखिए एक जलेबी की दुकान और गर्मा गर्म जलेबी उतर रही। तो रामलाल बोला श्यामलाल से, यार जलेबी खाने का मन कर रहा है। बोला यार पैसे तो मेरे पास है नहीं, कैसे लें? बोला यार पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। फिर श्यामलाल बोला यार मन की मन में क्या रखनी, पहले जलेबी खाते हैं उसके बाद देखेंगे। बोला भाई नो नहीं, थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। बोला अच्छा। तो पहले रामलाल गया अंदर दुकान में, बोला भाई लाला जी एक पाव जलेबी तोल दे, और लेकर के अपने बैठ के खाने लग गया। पीछे पीछे गया श्यामलाल भी, वो भी बोला भाई लाला जी एक पाव जलेबी तोल दे, अब वो भी साइड में बैठ करके खाने लग गया। अब रामलाल ने चुपचाप मौका देखा, खा पी के अपने चुपचाप खिसकने के चक्कर में था, लाला जी की निगाह पड़ गई। बोला भाई पैसे तो दे। बोले यार पैसे कैसे यार, मैंने तो पहले एडवांस दे दिए थे। लाला जी बोले यार कमाल कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है तू, तूने कब पैसे दिए एडवांस में? बोला मैंने दे दिए थे। दोनों में झगड़ा हो गया। उनका झगड़ा देख करके श्यामलाल बोला भाई लाला जी कहीं इस झगड़े में मेरे पैसे मत भूल जाइए, मैं एडवांस दे करके बैठा हूँ। अब लाला जी ने सोचा सारे दिए तो इसने भी नहीं, परंतु अब इसको भी मैं मुकर जाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि लाला जी झूठा है। बोला हाँ भाई तैने तो दे दिए पर इसने नहीं दिए। बोले यार कमाल कर रहा है लाला जी, मैंने दे दिए हैं। बोला अच्छा तो कसम खा। तो रामलाल बोला भाई कसम खा के कहता हूँ भगवान की सौगंध, जैसे इसने दिए वैसे ही मैंने भी दे दिए। वो जी एक आदमी ने बैंक से लोन लिया पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए, मुर्गियों का वो
होता है ना जो पोल्ट्री फॉर्म, तो बैंक वाले पहुंच गए जी उसके गांव में इंस्पेक्शन करने। बोला भाई तैने हमारे से लोन लिया था पोल्ट्री फॉर्म के लिए, तो तैने मुर्गी वुर्गी पाल भी रखी हैं, वैसे ही पैसे इधर उधर उड़ा दिए। बोला जी साहब क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल खोल रखा है, आप चलो गांव में खेत में चल करके दिखाता हूँ आपको। तो बोले भाई दिखा। अब वहाँ जा करके देखा भाई उसने बहुत बढ़िया पोल्ट्री फॉर्म बना रखा, कम से कम 100-150 मुर्गियाँ भी पाल रखी। बोला भाई बहुत बढ़िया, एक भाई इसको खिलाते क्या हो मुर्गियों को तुम? बोला जी मुर्गियों को मैं बहुत बढ़िया खाना खिलाता हूँ, इनको काजू देता हूँ, बादाम देता हूँ, पिस्ता देता हूँ, छुआरे देता हूँ। तो बैंक वाला मैनेजर था वो नाराज हो गया, बोला भाई इसका चालान काटो 5,000 रुपये का। बोला साहब क्या गलती होगी, मैं तो बढ़िया चीज़ खिला रहा हूँ। बोला इतनी महंगी चीज़ तो इन मुर्गियों को खिलाएगा तो तेरा लोन कौन उतारेगा? बोला साहब गलती होगी, मेरे को नहीं पता था। बोला अच्छा चल पहली बार है, माफ़ करते हैं तेरे को, अगली बार ऐसी गलती मत करिए। बोला जी ठीक है, चले गए जी बैंक वाले। अब थोड़े दिनों बाद फिर आ गए वो, बोला भाई तेरा वो पोल्ट्री फॉर्म देखना है। बोला चलो जी, ले गए वहाँ पर। बोले हाँ भाई बहुत बढ़िया, सारा सही लग रहा है, खिलाते क्या हो इनको मुर्गियों को? बोला जी मैं कुछ ना खिलाऊँ, इन्हें खेत में छोड़ दूँ, अपने जहाँ कुछ पड़े अपने पड़ा मिलता है अपने खा लेती है। बोले तो कूड़ा करकट खाती होंगी। बोला खान तो इनका पेट भर जाए। बोला इसका 10,000 का चालान काटो। बोला जी 10,000 का क्यों? बोले कूड़ा करकट खाएगी, कीड़े मकोड़े खाएगी अगर तेरी मुर्गियाँ, बीमार पड़ जाएंगी, मर जाएगी, फिर लोन का तेरा बाप उतारेगा। बोला साहब गलती होगी, देखो मेरा नया नया काम है, मेरे को थोड़ा अनुभव नहीं है, प्लीज़ माफ़ कर दो। बोला चल ठीक है माफ़ किया, पर संभल के काम कर, ऐसे नहीं होगा। चले गए जी उसको समझा बुझा करके। तीसरी बार फिर पहुंच गए जी बैंक वाले। बोला भाई वो अपना वो दिखा पोल्ट्री फॉर्म, गया लेकर के उनको। बोला भाई हाँ अब क्या खिलाया करे, के रंग ढंग है तेरा इनका? बोला जी मैं कुछ ना खिलाऊँ इनने, मैं तो तड़के तड़के सुबह उठ करके सबकी चोंच में 10-10 का नोट लगा दूँ, जो खाना है वो खाओ। वो जी एक बार बारिश पड़ी बहुत ज़बरदस्त, और इतनी तेज बारिश आ गई कि बाढ़ आ गई, और एक गांव तो बिल्कुल डूबने के कगार पर पहुंच गया, और इतनी बड़ी आफत आई कि सेना की मदद मांगी गई कि गांव वालों को किसी तरह से सुरक्षित निकाला जाए। सेना के हेलीकॉप्टर आए लोगों को निकालने के लिए। अब भाई साहब 4-5 घंटे हो गए और हेलीकॉप्टर लोगों को निकाल रहे, लेकर के जा रहे, परंतु उसका कोई ओड नहीं मिल रहा। अब वो जो कमांडर था सेना का, उसने सरपंच को बुलाया। बोला भाई हमारे को बताया गया था तुम्हारे गांव की कोई 500 की जनसंख्या है, इतनी देर में तो सारे लोग निकल जाने चाहिए थे, पर 500 लोग तो हम निकाल चुके और 500 ही मुझे और लग रहा है अभी भी गांव में फंसे हुए, चक्कर क्या है? बोले यार 19-20 का फर्क तो समझ में आ जाता है, पर यहाँ तो पूरा जमीन आसमान का फर्क है। तो सरपंच हाथ जोड़कर बोला साहब गाँव के बेचारे भोले भाले गरीब लोग हैं, आज तक इनने कभी कार की सवारी नहीं करी, और आप तो इनको हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हो, मेरे मटे जहाँ आप छोड़ के आते हो वहाँ से तैर के फिर वापस आ जाते हो। वो एक आदमी निकला जी सुबह सुबह स्कूटर लेकर के, और जल्दी में हेलमेट पहनना भूल गया। अब तीसरी रेड लाइट पर ही पुलिस वालों ने पकड़ लिया। बोला भाई आजा साइड में चालान कटेगा। उसने हाथ पैर जोड़े, बोले साहब गलती होगी। बोला गलती होगी तभी तो हम यहाँ पर खड़े हैं, चालान कटेगा तेरा। बोला देख लो जी साहब। बोला क्या देख लें? बोला अच्छा सेवा पानी बताओ। उसने धीरे से कहा अच्छा एक काम कर 500 रुपये दे। अब वो आदमी बिल्कुल ही कंगला, उसने निकाला अपनी जेब से पर्स, बोला साहब देख लो इसमें 20 का नोट पड़ा है। अब पुलिस वाले ने सोचा यार चल ठीक है जो मिल रहा है। उसने कहा अच्छा ला दे और जा तू। बोला साहब चला तो जाऊँ परंतु मेरे को तो बहुत दूर जाना, आगे कोई और आपका रिश्तेदार मिल गया उसको क्या दूंगा मैं। बोला अच्छा एक काम कर, कोई और मिल जाए तेरे को पकड़ ले तो उसको बोलती हूँ पेप्सी। बोला जी ठीक है। अब कुदरती तीसरी रेड लाइट पे फिर पुलिस वाले खड़े नाका लगा करके। उन्होंने कहा भाई आजा साइड में चालान कटेगा, हेलमेट नहीं पहन रखा तेने। उसने धीरे से कान में कहा बोला जी पेप्सी। बोला अच्छा ठीक है जा। उसने यार काम चल गया तो पासवर्ड लग गया अपने हाथ। अब भाई साहब अगले दिन वो जान करके हेलमेट नहीं पहन के गया। बोले यार जब अपनी जेब में पेप्सी है तो मैं क्यों किसी के बाप से डरूं। और कुदरती उस दिन भी उसको फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया, पर वो भी अपना डरानी शेर का पट्टा छाती फुला करके 56 इंच बोला पेप्सी। तो पुलिस वाला बोला भाई घना श्याणा मत ना बन, आज लिमका है कहाँ पुरानी पेप्सी लिए घूम रहा। मुझे एक आदमी अपनी लुगाई से बड़ा परेशान रहा करता था। वो एक आदमी के सभी रहते हैं परेशान, कोई नई बात नहीं है। परंतु भाई साहब क्या हुआ, उसकी लुगाई मर गई एक दिन। भाई ने बहुत रोना पीटना किया, लोगों ने समझाया चल भाई कोई बात नहीं है, तो आना जाना संसार में लगा रहता है,
कोई किसी का सदा का साथी नहीं है। समझा बुझा करके तैयारी हुई, उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। अब जी उसकी शव यात्रा जारी थी, लोग आगे पीछे चल रहे थे, सारे बोलते जा रहे राम नाम सत है, राम नाम सत है। वो गली में उसकी जो शव यात्रा जारी थी तो उसकी अर्थी एक खंभे से टकरा करके नीचे गिर गई। अब जैसे ही वो अर्थी नीचे गिरी, वो औरत उठ के, उसकी लुगाई जो मरी हुई थी वो उठ करके बैठ गई। सारे बड़े हैरान, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, अभी जिंदा हो गई, अपने चलो भी अपने हंसी खुशी घर आ गए। अब जी 4-5 साल बाद फिर मर गई उसकी लुगाई। अब फिर वही रोना पीटना हुआ, उसकी अंतिम यात्रा निकल रही। अब बाकी सारे तो आगे पीछे चलते जा रहे, भाई राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और वो जो उसका आदमी था वो आगे आगे चल रहा और वो एक ही बात बोलता जा रहा, भाई जरा खंबे से बच के चलिए, भाई जरा खंबे से बच के। एक छोरा था रणदू, बहुत ही शर्मीला, शहर गया कॉलेज पढ़ने। अब रणदू की किस्मत एक छोरी पट गई उससे। अब छोरी को लेकर के गया डेट पर पार्क में। अब रणदू घबराया, आज तक उसने कभी किसी से बात नहीं की। अब रणदू सोच रहा है यार कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो किस्मत से एक इतनी सुथरी छोरी पट गई है, कहीं मामला गड़बड़ा ना जाए। घबराया घबराया सा गया, जाकर के बोला कि देखो ये मेरी ना पहली डेट का एक्सपीरियंस है, कोई गलती हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ कर। वो एक आदमी गया जी लाला जी की पंसारी की दुकान पर, बोला जी लाला जी चावल क्या भाव दिए? बोला भाई 70 रुपये किलो। बोला एक काम कर 2 किलो तोल दे। लाला जी ने तोल दिए। बोला एक काम कर इस जोड़े में डाल दे, एक थैला ले रहा था उसने डाल दिए। बोला अच्छा भाई ये अरहर की दाल कैसे दी? बोला भाई 85 रुपये किलो। बोला भाई 2 किलो ये भी कर दे। लाला जी ने 2 किलो दाल भी तोल दी। बोला इसको भी इसी थैले में डाल दे, मिक्स हो जाएगी। बोला छोड़ना, तैने क्या लेना, मैंने लेके जानी है, मिक्स कर दे तू। लेके उसमें डाल दी। बोला अच्छा ये बता फिर ये हरी मूंग की दाल कैसे दी? बोला ये भी 85 रुपये किलो। बोला एक काम कर इसको भी 2 किलो तोल, इसी थैले में डाल दे। है क्या कर रहा है, ये अलग नहीं होएगी? बोला छोड़ ना, पैसे मेरे खर्च हो रहे, तेरे को क्या चिंता। ली उसने लाला जी ने, उसने क्या करना था, उसने लेकर वो भी उसमें डाल दी। बोला अच्छा छोले क्या भाव दिए? बोला 110 रुपये किलो। बोला 2 किलो ये भी डाल दे इसी में। डाल दिए जी। राजमा? बोला राजमा भी डाल दे इसमें 2 किलो। और लेकर के अपना थैला मेरा मटा चलने लगा। लाला जी बोले भाई पैसे कौन देगा? बोला लाला जी एक काम करियो, खाते में लिख लो, अभी बाद में दे दूंगा मैं। लाला जी बोले भाई यहाँ उधार का सौदा नहीं है। बोला उधार नहीं है तो रख पड़ा सामान। वो जी एक लाला जी के घर में घुस गए चोर। अब अचानक लाला जी की आँख खुल गई, वो घबरा गए लाला जी। लाला जी ने सोचा यार ये तो आज गड़बड़ होएगी। लाला जी घबराहट के मारे खुद ही जाकर के चोर के आगे सरेंडर कर दिया। बोला भाई देख ये पकड़ चाबी तिजोरी की, तने जो ले जाना है ले जा, पर हमारी जान बख्श दियो। चोर बोला भाई लाला जी ऐसी बात है, हम कोई आराम की कमाई नहीं खाते, हम मेहनत की कमाई खाते हैं। और हमारे जो गिरोह का एक उसूल है कि हम जहाँ भी चोरी करने जाते हैं वहाँ एक खून जरूर करके आते हैं, तो चोरी तो हम करेंगे और तेरे को मार के भी जाएंगे। और कह करके उस चोर ने निकाला अपना चाकू। अब चाकू देख करके लाला जी घबरा गया। बोला भाई देख चोर ऐसी बात है, बेशक खून कर ले, परंतु हमारे परिवार की भी एक परंपरा है। और कह करके उसने सेठाणी को किया आगे, बोला हमारे यहाँ पर लेडीज फर्स्ट। चोर ने कहा कि अच्छा चलो जी ठीक है, एक को मारना, मैंने तो जिसको तुम चाहे मरवा लो। उन्होंने सेठाणी जी की तरफ चक्कू तान दिया। बोला भाई मरने से पहले अपना नाम बताओ, मैं अपनी डायरी में नोट करता हूँ किसनों को मारा और किस किस को मारा। तो सेठाणी बोली जी मेरा नाम है शकुंतला। अब नाम सुनते ही सेठाणी का चोर तो सेठाणी के पैरों में लौट गया। बोला जी माई मुझे माफ़ कर दे, मेरी माँ का नाम भी शकुंतला और शकुंतला नाम की किसी औरत को मैं नहीं मार सकता। भाई लाला जी अब तू ही आ जा सामने। लाला जी बोला भाई देख ऐसी बात है, चक्कू मार ले चाहे तू मेरे चार, परंतु एक बात बता दूं, मेरा नाम ही धर्मपाल है, परंतु मोहल्ले वाले मेरे को भी प्यार से शकुंतला ही कहते। मुझे एक आदमी को ना लंबी लंबी छोड़ने की आदत थी। उसका एक दोस्त उसको फ़ोन करता, बोला भाई आज तेरे से मिलना है। बोले यार मैं तो अमेरिका में हूँ। बोले यार अमेरिका कहाँ से चला गया? बोला मेरा काम है, बिजनेस मीटिंग थी। ठीक है भाई। 3 दिन बाद फिर उसने फ़ोन किया, बोला भाई कहाँ मिलना है तेरे से? बोला आज तो मैं लंदन में हूँ। बोला यार आज पहले अमेरिका जा रहा है, कभी लंदन जा रहा है, ये तो इंटरनेशनल आदमी बन गया। अब उसने क्या किया, वो उसका जो दोस्त था उसके घर ही पहुंच गया। बाहर देखा मोहल्ले में उसका छोरा खेल रहा, उसने उसी से पूछ लिया, बोला बेटा पापा घर पे हैं? बोला अंदर रसोई में मम्मी के साथ बर्तन धुलवा रहे हैं।
वहीं से उसने उसको फोन लगाया, उसके गेट पर खड़ा होकर के बोला, भाई तेरे से मिलना है, कहाँ यार तू आया नहीं आया? बोला, भाई आज तो मैं कनाडा में हूँ, तू कहाँ? बोला, मैं कनाडा के गेट पे खड़ा हूँ दरवाजा खोल। वो गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुला था, बड़े बुजुर्गों को पढ़ाने का जो होता है कार्यक्रम, तो वहाँ पर मास्टर जी पढ़ा रहे उनको ABCD। अब वो उनको समझाने का तरीका नया होता है, क्योंकि बड़े बूढ़े होते हैं, उनको थोड़ा अलग एग्जाम्पल के साथ समझाया जाता है। अब वो उनको ABCD सिखा रहे, बोला ए फॉर अमरपाल की बहू, बी फॉर भानु प्रताप की बहू, सी फॉर चांदराम की बहू, डी फॉर दौलत राम की बहू। इस तरह से उनको ABCD सिखाई जा रही। अगले दिन मास्टर जी टेस्ट लेने लगे, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा क्यू और एक बूढ़े को खड़ा किया, बोला भाई बता क्या लिखा हुआ है। बूढ़े ने यूं देखा, बोला जी लाग तो ओम प्रकाश की बहू रही है, पर मुंह में बीड़ी ले रखी है इन्हें तो। अब देखो टेंशन भी कहां कहां से आ जाती है। एक आदमी जा रहा, सामने दीवार पर लिखा हुआ कि पढ़ने वाला गधा है। अब पढ़ करके टेंशन में आ गया, अरे ये सर ने क्या दिमाग खराब कर दिया। उसको आया गुस्सा, उसने उसको मिटा करके उस पर लिख दिया लिखने वाला गधा है। बाद में पता चला दोनों तरफ तू ही है गधा। वो जी लाल किले का होता है सबसे बड़ा कवि सम्मेलन। अब उस कवि सम्मेलन में क्या हुआ, एक कवि अपनी पहली पंक्ति में ही कविता भूल गया। अब उसने कविता पढ़नी शुरू करी कि चौराहे पर खड़ा कुत्ता। अब जी अगली पंक्ति दिमाग में ना आवे, सोच रहा क्या, पीछे से संचालक शोर मचा रहा, भाई जल्दी कर। अब वो फिर अपना दिमाग लगाया, बोला चौराहे पर खड़ा कुत्ता, अपने सारी जेब भी देख ली, अब गलती से पर्ची लाना भी भूल गया, बोला चौराहे पर खड़ा कुत्ता। अब पीछे से संचालक फिर बोले, अरे जल्दी कर, बोला चौराहे पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते के ऊपर कुत्ता। पब्लिक सारी शांत, भाई बड़ा अंतरराष्ट्रीय लेवल का कवि, लोग सोच रहे कि कोई बड़ी बात निकाल करके लाएगा। अब वो पंक्ति याद आ नहीं रही उसको अगली, और कुत्ते पे कुत्ते चढ़ाए जा रहा, बोला चौराहे पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते के ऊपर 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 कुत्ता। भाई 20 कुत्ते चढ़ा दिए ऊपर नीचे, परंतु अगली पंक्ति याद देख के नहीं आ रही। अब एक सामने श्रोता अचानक उठ करके बोला, भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दूसरे ने उसके मारे कोणी, बोला किस बात की वाह वाह, क्या कह रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तेरे? वाह 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 वाह, बिना बात की। बोला भाई कुछ भी कह रहा हो, कुछ भी कहना चाह रहा हो, तू एक बात देख, 20 कुत्ते चढ़ गए ऊपर नीचे पर गिर नहीं रहा एक भी, बैलेंस देख क्या कमाल का बनाया अगला।